5,000 अगर सफल छात्र आप दिए हैं तो उससे ज्यादा असफल भी हुए होंगे सर, तमाम छात्र असफल भी हुए होंगे और उनका तमाम आरोप था बीपीएससी 1.0 की वैकेंसी में फेज वन में, और उन लोगों का कहना है कि इस पूरे गड़बड़ी को दबाने के लिए इतनी जल्दीबाजी में वैकेंसी। देखिए असफलता अगर छात्र सफल हुए हैं तो, अगर असफल भी हुए तो उसकी भी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, है कोई खड़ा हो गया तो बुलवा लीजिए। अगर मेरे छात्र हजारों में अगर सफल हुए हैं तो हजारों में असफल हुए हैं और उसकी भी सामूहिक जिम्मेदारी में लेता हूं। लेकिन मैं उनसे निवेदन बस इतना ही करता हूं कि पिछली बार अगर कमी आप में रह गई हो या हम में रह गई हो, दोनों मिलकर इस बार दूर कर देंगे और इस बार सफलता छीन लेंगे। लेंगे नहीं, छीन लेंगे। हजार नहीं, हजारों छात्र सफल हुए हैं। मैं बहुत सारे कितने आंकड़ा दूंगा तो लोग कहेंगे जारी कर दीजिए, हम तो कितने हैं फिर? लगभग 5,000 से ऊपर है। और बताइए 5,000 से ऊपर छात्र सिर्फ आधिकारिक तौर पर, बिल्कुल आधिकारिक तौर पर इतना बोल रहे हैं जमीन। तो एक काम करिए ना, तो आप एक काम करिए, अपना कैमरा मोड़ लीजिएगा, हम आपको दे देंगे, देखिएगा कैसे मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पर, हम बोलने का क्या जरूरत। छोड़ दीजिए ना, ये भी छोड़ दीजिए, आप माइक उठाइए और माइक लेके बिहार के स्कूलों में इस बार घूम जाइए। अभी 2 तारीख को जो ज्वाइनिंग हो जाएगी बच्चों की, उसके बाद एक बार माइक उठा के घूम जाइए। अगर ऐसा कोई 3 शिक्षक उठा लीजिएगा उसमें एक छात्र ऑफिसर एकेडमी का होगा, ये तय है। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक फेज 2 की वैकेंसी आ चुकी है और जो भी बीएड वाले जिनका 1-5 में थोड़ा निराशा हाथ लगा उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि लगभग 1,00,000 प्लस वैकेंसी आने की संभावना है। हालांकि कितना वैकेंसी है, कब इस पर क्या कुछ होगा, बीएड वालों को लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, सीटेट अपियरिंग होंगे, कैसे तैयारी करना है, तमाम बातों को लेकर हम शशि शरण सर के पास आ चुके हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। चेहरे पर तो भरपूर खुशी होगी आज। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल होनी चाहिए भाई, बिल्कुल। फेज 2 की वैकेंसी आ चुकी है सर, तमाम छात्र इंतजार कर रहे थे, जो छात्र पीआरटी में फॉर्म भरे थे और उनको हाथ निराशा लगा जिनके, उनके लिए काफी भरी खुशखबरी है सर, क्या कुछ बोलिएगा। देखिए बीएड वाले वैसे छात्र जो पीआरटी से बच्चे जब बाहर हुए थे तो मुझे भी थोड़ा दर्द हुआ था, ये बात तय है, क्योंकि जब आप विद्यार्थी को पढ़ाते हैं और उसका जब रिजल्ट हो जाता है, बहुत सारे लोगों के स्कोर भी उससे ज्यादा थे लेकिन निराशा, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि माननीय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया था, तो उसका सम्मान हमारे लिए है। अब बात आती है कि भाई वहां से बाहर होने के बाद जो निराश लोग थे, तो अब मौका आ गया है अपनी कलम में उस निराशा को ऊर्जा बनाकर कलम रौंद देने का, मतलब कलम इतना घिसना है, इतना घिसना है कि इस बार असफल नहीं होना, इस बार सफल ही होना है, इतना घिसना है कि असफल नहीं होना है। लेकिन समय मात्र 1 महीना, अब देखिए क्या कुछ होगा इसमें। देखिए समय तो काफी चुनौतीपूर्ण है और देखिए बहुत दिनों से ये अखबारों में चला आ रहा था कि भाई आप अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कम से कम मेरे पास हजारों ऐसे बच्चे हैं जो 15 दिन 20 दिन 25 दिन पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो जो लोग अभी तैयारी नहीं शुरू किए वो इमीडिएटली शुरू कर लें, और वैसे सभी लोग जो पहले पढ़ चुके हैं वो सिर्फ सेल्फ स्टडी करें, वो एनसीईआरटी की किताब जो है घर पर बैठकर पढ़ ले, रिवीजन करें, मॉक टेस्ट लगाएं, प्रैक्टिस करें, उनको किसी भी बैच और कोर्स की आवश्यकता नहीं है, वो प्रैक्टिस करें खुद पे घर में बैठ के, सेल्फ स्टडी करें और अपने आप को रिवाइज करें चीजों को, उसके लिए काफी और पर्याप्त समय है, काफी है 1 महीना। 1 महीना समय है और आप कह रहे हैं कि सेल्फ स्टडी करें, कुछ नए भी छात्र इसमें ऐड हो सकते हैं, किस तरह से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट किस तरह से कंप्लीट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 1 महीना में सफल होने के। देखिए नए छात्रों के लिए किसी ना किसी शिक्षक का मार्गदर्शन लेना होगा, वैसे लोग जिनकी तैयारी पूरी नहीं है तो वो क्या करेंगे भाई। अब आप अगर स्वयं से पूरे इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको 3 किताब पढ़ना पड़ेगा और 300-400-500 पेज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर टीचर के अवसर में भारत का कोई भी शिक्षक, सब शिक्षक बेहतरीन है, सारी कोचिंग संस्थाएं भी बेहतरीन है, मैं किसी को ऊपर नीचे नहीं कहता हूं, लेकिन अगर आप 900 पन्ने की केवल हिस्ट्री के एनसीईआरटी पढ़ते रह जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो वैसी परिस्थिति में आपको शिक्षकों के पास जाना पड़ेगा और उनसे मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक 5-6 बड़ी किताबों को खुद से पढ़ते हैं, उनका निचोड़ निकालते हैं, नोट्स बनाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जो 900 पन्ने की किताब थी वो आपकी 30-40-50 पन्ने में सिमट जाती है, एक निचोड़ रह जाता है। तो नए बच्चों के लिए मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारी उपलब्ध हैं, और याद तो ये होगा ही कि बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती मतलब द ऑफिसर एकेडमी ही होता है। बिल्कुल द ऑफिसर एकेडमी होता है। 2 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें इस बार के वैकेंसी में काफी दिक्कत हुआ है, कंप्यूटर साइंस और सोशियोलॉजी का, क्या कुछ होने वाला है, सोशल साइंस में भी दिक्कत हुआ है। देखिए सोशल साइंस में कट ऑफ काफी ऊंचा था, आपने ये भी देखा होगा, तो सोशल साइंस के लिए क्या है ना कि बहुत सारे ग्रेजुएट बच्चे जो होते हैं सोशल साइंस के अंदर में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब वाले जो विषय वाले बच्चे होते हैं उनकी सब्जेक्ट पर पकड़ काफी अच्छी होती है, तो वैसे सभी छात्रों को यह कहना है कि आप अपने सब्जेक्ट पर, विषय पर गंभीर पकड़ रखें, अगर आपके विषय पर पकड़ अच्छी है, आपने अगर क्लास 11-12 की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है, अगर आपने ग्रेजुएशन में ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी है, तो आपको निसंदेह बहुत फायदा मिलने वाला है, और अंततः वही बात आ जाती है कि प्रैक्टिस करें, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाएं और खूब मन लगाकर पढ़ें। कोई ऐसा बुक भी है सर, चूंकि तमाम छात्र आपसे जुड़े हैं और बीपीएससी में आप अच्छा सफलता भी दिए हैं सर,
कुछ ऐसे बुक्स जो एक महीना में उसको अच्छा से पढ़ ले तो उससे अधिकतर क्वेश्चन टच कर जाए। देखिए ऐसा कोई बाबा जी का चूरन नहीं है जो सच मानते हैं, एक बात समझ लीजिए, ऐसा कोई गाइड वाइड होता नहीं। अगर मैंने कोई गाइड का नाम बता दिया लड़ गया तो जय जय, और अगर वहां से क्वेश्चन नहीं आए तो फिर। इसीलिए आप इस बात को समझिए कि मानक पुस्तकों का अध्ययन करना जरूरी है, और एक महीना के अंदर में बस आप इतना ही कर सकते हैं कि आप किसी टीचर के शरण में जाएं, और वहां शशि शरण के नहीं, अगर आप किसी शिक्षक के शरण में जाएं और आप ईमानदारी से उनके गाइडलाइंस पर पढ़ाई करें। और दूसरी बात, जो पहले से पढ़े हुए सेल्फ स्टडी रिविजन नथिंग मोर, अच्छा बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैथ और साइंस को लेकर क्या बोलिएगा? देखिए मैथ्स के अंदर में आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, जो पिछली बार 9th-10th का था उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन जो 9th-10th में थे वो 11th-12th की किताबों से, एनसीईआरटी से, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन चीजों पर बड़ा स्ट्रांग होल्ड रखना होगा। अब देखिए 100 में 100 नंबर तो कट ऑफ नहीं जाएगा, इतना आपको ही पता है, तो आप वैसे जो टॉपिक्स हैं जो आपको थोड़े ठीक ढंग से लगते हैं, जो आसान है, उन पर मजबूर पकड़ बनाएं, ताकि जो आसान प्रश्न परीक्षा के अंदर में आते हैं वो आपसे गलत ना हो। अभी तो वैकेंसी आया नहीं है सर, कुछ छात्रों के सवाल है, कुछ छात्र कह रहे हैं कि सीटेट अपियरिंग वालों को इसमें मौका मिलेगा कि नहीं। देखिए सीटेट अपियरिंग पर मौका देना हम सबकी चाहत है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो। पिछले वैकेंसी में दिया गया जी बिल्कुल, जब पिछली बार दिया गया था तो उम्मीद है इस बार भी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है जिसमें 6th-8th, 9th-10th और 11th-12th सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है, जीएस के साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है, 999 रुपए में। दिए गए नंबर पे संपर्क करें और बिहार के छात्र है, एक तो टूटे हुए हैं ऊपर से, थोड़ा दया अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि यार जरूरत है छात्रों को भाई, समझिए किसी के समय देना। देखिए मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ, हजारों छात्र ऑफिसर अकेडमी के सफल हुए हैं, हजारों छात्र सफल हुए हैं, मैं बहुत सारे कितने आंकड़ा दूंगा तो लोग कहेंगे जारी कर दीजिए, हम तो कितने हैं लगभग 5000 से ऊपर हैं, और बताइए 5000 से ऊपर छात्र सिर्फ आधिकारिक तौर पे, बिल्कुल आधिकारिक तौर पे इतना बोल रहे हैं या जमीन। तो एक काम करिए ना, तो आप एक काम करिए अपना कैमरा मोड़ लीजिएगा, हम आपको दे देंगे, देखिएगा कैसे मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पर, हमें हम बोलने का क्या जरूरत, छोड़ दीजिए ना ये भी छोड़ दीजिए, आप माइक उठाइए और माइक लेके बिहार के स्कूलों में इस बार घूम जाइए। अभी 2 तारीख को जो ज्वाइनिंग हो जाएगी बच्चों की, उसका एक बार माइक उठा के घूम जाइए, अगर ऐसा कोई 3 शिक्षक उठा लीजिएगा उसमें एक छात्र ऑफिसर एकेडमी का होगा, ये तय है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप पता कर लीजिएगा है कि नहीं। तो ऐसा क्या दे रहे हैं छात्रों? देखिए है कुछ नहीं दे रहे हैं, जितना छात्रों से मेहनत करवाते हैं उससे कम नहीं, उससे ज्यादा ही मेहनत हमारे शिक्षक करते हैं, बस इतना ही है। जब हम अगर बोर्ड पे 300 लाइन लिखेंगे तो मजबूर होकर छात्र भी 300 लाइन लिखेगा, तो उसके बराबर जब हम मेहनत करते हैं तो मास्टर बच्चा को भी लगता है यार ये लोग मेहनत बहुत कर रहा है, पढ़ो अब जाके पता करिए। 5000 अगर सफल छात्र आप दिए हैं तो उससे ज्यादा असफल भी हुए होंगे, तमाम छात्र असफल भी हुए होंगे, और उनका तमाम आरोप था बीपीएससी 1.0 की वैकेंसी में फेज 1 में, और उन लोगों का कहना है कि इस पूरे गड़बड़ी को दबाने के लिए इतनी जल्दीबाजी में वैकेंसी। देखिए असफलता अगर छात्रों सफल हुए हैं तो, अगर असफल भी हुए तो उसकी भी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, है कोई खड़ा होकर तो बुलवा लीजिए। अगर मेरे छात्र हजारों में अगर सफल हुए हैं तो हजारों में असफल हुए हैं, और उसकी भी सामूहिक जिम्मेदारी मैं लेता हूं, लेकिन मैं उनसे निवेदन बस इतना ही करता हूं कि पिछली बार अगर कमी आप में रह गई हो या हम में रह गई हो, दोनों मिलकर इस बार दूर कर देंगे और इस बार सफलता छीन लेंगे, लेंगे नहीं छीन लेंगे, बस छीन लेंगे बिल्कुल। बीपीएससी 1.0 फेज 1 की हुई गड़बड़ी को दबाने के लिए इतनी जल्दीबाजी में वैकेंसी। देखिए इस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और मेरी अपनी क्षमताएं हैं और अपनी सीमाएं हैं, लेकिन हाँ अगर ऐसा कुछ भी आरोप लग रहा है तो वो निराधार अगर आरोप है तो उस पर भी कार्यवाही हो, और अगर आरोप में सत्यता है तो उसकी जांच हो, इन दोनों बातों का ध्यान रखें। अगर कोई निराधार आरोप लगा रहा है तो उस पर कार्यवाही होनी चाहिए, और अगर आरोप है तो उसकी जांच कर लें, और सत्यता बिल्कुल सबके सामने आनी चाहिए। वैकेंसी भरपूर मात्रा में आ रहा है सर, परीक्षा भी साफ सुथरा हो रहा है, रिजल्ट में कुछ कुछ गड़बड़ियां हो जा रही है। फेज 1 में जैसे देखा गया अभी भी छात्र बीपीएससी ऑफिस के बाहर लाइन लगा रहे हैं, तो क्या फेज 2 में साफ सुथरी पारदर्शिता की मांग करेंगे आप? जीवन में हर व्यक्ति, अगर आप चल रहे हैं रवि रंजन जी, अब आपके पैर में नीचे में अगर शीशा फूट के गड़ जाएगा, खून निकल जाएगा, तो अगला बार प्लेन रोड पर भी चलिएगा ना तो नीचे झांकते हुए चलिएगा कि शीशा तो नहीं है। बस यही होता है जिंदगी में, हर व्यक्ति के साथ ये रूल ऑफ लॉ लागू होता है कि अगर आप कहीं ठोकर पड़ती है, अगर आपको कहीं चोट लगती है तो आप उससे उबरते हैं। मानते हैं कि हो सकता है कि आयोग ने हरभर में थोड़ा बहुत इशू कहीं हुआ हो तो उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है, और उम्मीद है कि आगे वाले आने वैकेंसी में ये नहीं होगा। प्रशांत सर हैं और इकोनॉमिक्स के टीचर हैं सर, और इकोनॉमिक्स जिसको समझ में आता है बहुत अच्छा आता है सर, और जिसको नहीं आता उसको कुछ थोड़ा भी एबीसीडी भी नहीं समझ में आता है, क्या कुछ करना होगा?
इकोनॉमिक्स के? देखिए इकोनॉमिक्स विषय के मतलब विषय के मैं बारे में बता रहा हूँ कि अन्य विषय जो होते हैं उसको हम होम्योपैथिक सब्जेक्ट के तौर पे देते हैं। एलोपैथी जो है एलोपैथिक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जो परीक्षा में जान बचाती है। अच्छा। क्योंकि अन्य विषय में समझ ठीक ठाक होती है, इकोनॉमिक्स में थोड़ी समझ कमजोर होती है। तो इकोनॉमिक्स में अगर आपको अपनी समझ बेहतर करनी है तो एनसीईआरटी की पुस्तकों का जरूर से जरूर अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसे उसमें विशेष तौर पर हम बात करें आर्थिक नियोजन का जो चैप्टर हो सकता है, हम बात करें बेसिक इकोनॉमी जो हो सकती है, बजट के कुछ आंकड़े हो सकते हैं, जैसे राजस्व व्यय क्या है, जैसे इस बार बीपीएससी में पूछ लिया गया था कि गैर योजनागत व्यय का क्या आशय है, तो वो जो तकनीकी शब्दावली है उन पे जरूर काम करना चाहिए बच्चों। अच्छा बिल्कुल। सर अभी कितने घंटे का समय देना चाहिए पढ़ाई पर? कम से कम 12 घंटा। 12 घंटा? 8 घंटा तो हम पढ़ा रहे हैं और मंगलवार से हम क्लास में 9 घंटा कर रहे हैं। एक बैच में ऑफिसर अकेडमी 9-9, 10-10 घंटे पढ़ा रहा है, तो अगर हम 10 घंटा 9 घंटा पढ़ा रहे हैं तो छात्र जरूर घर बैठ के 10 घंटा पढ़ रहा है। तो भैया जो पढ़ रहा है 10 घंटा वो आगे जीतेगा कि 3 घंटा पढ़ने वाला आगे जीतेगा? वो बच्चा जो दिन भर पढ़ाई कर रहा है, शाम को लाइब्रेरी में अपनी हड्डियां गला रहा है दधीची की तरह, तो सफलता पे पहला हक उसका होगा, ये बात तय है। तो मेहनत करना होगा दबा के, घंटा की कोई सीमा नहीं। जितनी ऊर्जा है आप कहिए कि जितनी हिम्मत है उतना निचोड़ देंगे, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देंगे। और हार हो तो ऐसी कि सबके आंखों में पानी उतर जाए, और जीत हो तो ऐसी कि इतिहास अमर हो जाए। तो सुनो बिहार के लाल उठो, इस माटी इस धरा के कमाल उठो, तुम भविष्य ही शिक्षक बिहार के हो, और जब भी उठो बेमिसाल उठो, इस बात का ध्यान रखना होगा। खूब मेहनत कीजिए, जरूर सफल होंगे। सर पीआरटी में जिस तरह से क्वेश्चन का लेवल था, हालांकि बीएड वालों को इलिमिनेट कर दिया गया, लेकिन जिस तरह से पीआरटी में क्वेश्चन का लेवल था, क्या इस बार भी लेवल वही रहने वाला है? देखिए पीआरटी के अलावा अब पीआरटी की तो परीक्षा होनी नहीं है रवि रंजन जी, तो एक बात दिमाग में छात्रों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ये भी सर बात है कि क्या पीआरटी में भी वैकेंसी आएगा इस बार? देखिए पीआरटी के लिए तो अभी कोई सूचना नहीं, आधिकारिक तौर से लिख दिया गया कि पीआरटी की वैकेंसी नहीं आ रही है अभी फिलहाल के लिए, ये अपडेट है, हो सकता है आगे जोड़ दिया जाए। लेकिन आपने आप तो कह दिए कि पीआरटी का पेपर टफ था, लेकिन 6-8 में आप पेपर उठा के देखिए, 9-10 का पेपर उठा के देखिए, पेपर नॉर्मल था, मतलब नॉर्मल क्या कह सकते हैं कि नॉर्मल से थोड़ा अपराइट कह सकते हैं, और पेपर बनाने लायक था। 6-8 का पेपर चेयरमैन, 1-5 का पेपर चेयरमैन सर ने भी कहा था कि थोड़ा कठिन हो गया था, तो मुझे लगता है कि हकीकत में कठिन था, था नहीं हकीकत में था। बढ़िया बढ़िया अगर टीचर को बिठा दिया जाता तो शायद 80 नंबर नहीं ला पाता लोग। अगर एक शिक्षक को बिठा, अगर मुझे भी बोल देते आप, तो हो सकता है कि इतना नंबर हम कंपटीशन लो नहीं रहने वाला है। नहीं कंपटीशन तो भाई टफ होगा, बिहार है, बिहार धरती है ऊर्जा की, बिहार धरती है युवाओं की, पढ़ने वाले लोगों की, तो कंपटीशन कैसे कम होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, शशि शरण सर का साफ कहना है कि लगभग 5,000+ हजारों की संख्या में फेज वन में हम सफल छात्र दिए हैं, बाकी फेज टू की वैकेंसी आ चुकी है। और सर कह रहे हैं कि 9-8 घंटे अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको 12 घंटा पढ़ना होगा, 4-5 घंटा कम से कम रूम पर रहना होगा और कलम को घिसना होगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।